इस कंटेनर में रख दे नमक, पैसा ही पैसा आएगा। जी हाँ मित्रों, सत्य है ये बात। हम आज आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो दुर्लभ है, आपको किसी ने बताई नहीं होगी। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। आज नमक के ज़रिए आप कैसा कैसे पैसा प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशल कंटेनर में रखकर, या प्लास्टिक के, या एल्यूमिनियम के, या किसी अन्य धातु के, या किसी विशेष धातु के पात्र में आपको रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, आप यूं ही खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी यही ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपका इस विषय में रुचि है, यानी ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में आपकी रुचि है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, क्या आपको पता है शरीर नमक का, जो नमक होता है, शरीर का विष नष्ट करता है। ये अद्भुत जानकारी हमने आपको दी। किसी भी प्रकार का जहर हो या विष हो या नेगेटिव इफेक्ट हो, इसको शरीर में स्थित नमक जो आप खाते हैं उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। आपके शरीर में हर नेगेटिव एनर्जी को ये नष्ट करता है, इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ने देता है। तो नमक कई तरह का होता है, विशेष रूप से पांच प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक, रोमक, विड, काला नमक और समुद्री नमक। सबसे बेस्ट होता है, यानी सर्वोत्तम होता है सेंधा नमक। इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। सेंधा नमक आप प्रयोग में लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन किस कंटेनर में आप इसको रखते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो हम आपको बताने वाले हैं कौन सा कंटेनर ऐसा होता है जो न केवल आपको स्वास्थ्य लाभ देता है, बल्कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने लगता है। तो कंटेनर का बहुत महत्व है, सही कंटेनर में ही आपको नमक रखना चाहिए। हालांकि कुछ लोग प्लास्टिक के कंटेनर में नमक रखते हैं, उनके घर में पुश्तैनी बहुत संपदा होती है, खेती बाड़ी उनकी ज़बरदस्त होती है, लेकिन ये पैतृक संपत्ति होती है, स्व अर्जित संपत्ति उन लोगों के पास कैसी होती है ये आप जानते हैं। तो स्व अर्जित संपत्ति, खुद बनाए संपत्ति, पैसा खुद अर्जित करे, पैसा खुद कमाए, इसी की विशेषता हम आपको बताने वाले हैं। और वो कंटेनर है मित्रों, या तो कांच के कंटेनर में आप नमक रखें, या चीनी मिट्टी का जो बर्तमान होता है, जिसको अचार की बरनी वाला टेक्सचर होता है, उसमें आप नमक रखते हैं, या आप मिट्टी के पात्र में नमक रखते हैं तो सर्वोत्तम होता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य पात्र में आपको नमक नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक के पात्र में नमक रखने से कुछ समय के बाद धन की कमी महसूस होने लगती है, जमीन जायदाद होती है तो बिक जाती है और आर्थिक नुकसान जातक को होता है। अगर आप एल्यूमिनियम के पात्र में नमक रखते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो एल्यूमिनियम के पात्र में भी आपको नमक नहीं रखना चाहिए। और काला नमक, विशेष रूप से काले पात्र में आप रखते हैं तो आपको शनि की कृपा मिलने लगती है। काले कांच के जार में आप, या चीनी मिट्टी के पात्र में आप नमक रखें, आपको फ़ायदा होगा। जो सेंधा नमक है आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, यानी कांच का होना ज़रूरी है, मिट्टी का होना ज़रूरी है और चीनी मिट्टी का होना ज़रूरी है। इनके अतिरिक्त आपको किसी भी पात्र में नमक नहीं रखना है। कुछ लोग फैशन के लिए पीतल के पात्र में नमक रखते हैं, या स्टील की मसालदानी में अन्य मसालों के साथ भी आपको नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टील के पात्र में नमक रखने से आपको नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आपको कांच की बरनी में अलग ही नमक रखना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। उसको लेते समय भी स्टील की चम्मच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कांच की चम्मच हो तो बहुत अति उत्तम होती है। सेंधा नमक नेगेटिव एनर्जी को ज़बरदस्त तरीके से रोकता है आपके जीवन में। तो सेंधा नमक का प्रयोग खाने में भी करिए, और आप उसको पानी में मिलाकर पैर डिप करिए, इससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस होती है और आपको फ्रेशनेस फील होती है। खाने में आपको डेली काला नमक सब्जी में डालना चाहिए, इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। विशेष रूप से शनिवार को आपको हल्दी और काला नमक का यूज़ अवश्य करना चाहिए,
इससे आपको सकारात्मक एनर्जी का संचार आपकी बॉडी में होने लगता है। नमक का बर्तन कभी भी चीनी के बर्तन के पास नहीं रखना चाहिए। नमक का बर्तन हल्दी या अन्य मसालों के साथ रखते हैं तो आपको लाभ होता है, और चीनी के साथ में हमेशा चाय की बरनी रखें, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आपके दांतों और मसूड़ों में दर्द होता है तो सेंधा नमक मलना चाहिए, इससे आपको लाभ होता है। अगर मोच आ गई है तो नमक को तवे पर सेक लीजिए, और मोटे कपड़े में पोटली सी बांधकर दर्द वाले स्थान पर सेक करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है। विषैला कीड़ा अगर आपको काट लेता है तो पानी मिलाकर नमक रगड़ना चाहिए, इससे दर्द और जलन मिट जाती है। नमक का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए, नमक का अधिक मात्रा में सेवन आपको नुकसान दे सकता है। अगर गले में सूजन है, टॉन्सिल्स हैं, तो नमक मिलाए हुए पानी से गरारे करने से, यानी गुनगुना पानी होना चाहिए, इससे आपको आराम मिलता है। कफ युक्त खांसी है तो सेंधा नमक की डली चूसते रहें, कफ ढीला होकर निकल जाएगा और खांसी से आपको राहत मिलेगी। नमक को गरम पानी में नमक डालकर पैर धोने से सूजन भी समाप्त हो जाती है और वो सुंदर और मुलायम हो जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है स्वास्थ्य संबंधी तो नमक की मेडिटेशन करें, नमक बर्न करें अपने घर में, एक हवन टाइप करें और उसमें नमक बर्न कर दीजिए, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी का खात्मा हो जाएगा। सोते समय नमक मिलाए हुए गुनगुने पानी में कुछ देर पैर डाले रखें, और मोटे कपड़े से पोंछ कर आपको थकान से मुक्ति मिलती है और आपको गहरी और अच्छी नींद आती है, और प्रातःकाल आप समय पर जग पाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर हमेशा आपका स्वागत होता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कम्युनिटी पोस्ट में हम पॉपुलर अपलोड डालते रहते हैं, उनको भी चेकआउट किया कीजिए, ये आपकी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, बना सकते हैं, आपको ज़बरदस्त लाभ दे सकते हैं। 6900 की संख्या में कम्युनिटी पोस्ट में, मतलब कम्युनिटी पोस्ट के टोटल वीडियो हम आप तक बना चुके हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिटी पोस्ट। वो नए वीडियो भी हैं उनमें और पुराने वीडियो भी हैं, तो उन सब का लुत्फ आप ले सकते हैं अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।